हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्स एंड पॉल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी, यानी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डाउट्स हो रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो रही है, उन सबको हम इस वीडियो के अंदर लेंगे और क्लियरफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये चार प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज्यादातर बच्चों को कि एक तो ये नहीं पता कि डेट कब आएगी, यानी डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का जो एग्जाम है उसकी डेट कब होगी, कब एग्जाम होना है, किस हिसाब से उनको प्रिपेयर करना चाहिए, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। दूसरी आ रही है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किस हिसाब से एग्जाम होना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी चीज आती है पीआरटी का कुछ नोटिस आया था कि दोबारे से फॉर्म फिल करना है, तो वो किस हिसाब से था और क्या आपको सबको फॉर्म भरना है दोबारे से या फिर क्या प्रोसेस है उसका, वो चीज में ज्यादातर बच्चों को डाउट हो रहा है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। और सीटेट से रिलेटेड भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का जो एग्जाम है वो कब होना है। तो इसके लिए अगर आप एक बार डीएसएसबी की अगर साइट पे जाके चेक करते हैं तो वहां पे 19 तारीख तक की डेट शीट आ गई है, यानी 19 को किसका एग्जाम है, टीजीटी के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं 19 से। जैसे कि आप ये नोटिस देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 19/8, यानी इस मंथ के जो 19 है डेट है उसको टीजीटी उर्दू का एग्जाम होगा और टीजीटी संस्कृत का एग्जाम होगा, यानी पीजीटी अब खत्म हो गए, अब टीजीटी स्टार्ट हो गए हैं। और ये कब है, 19th को है और 26th को फेस्टिवल है, तो वो भी नहीं हो सकता, वहां पे भी नहीं हो सकता। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आगे जो टीजीटी के एग्जाम होंगे वो कब होंगे, सेप्टेम्बर में होंगे, यानी स्टार्टिंग जो वीक होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, जो सेप्टेम्बर है कम्प्लीट सेप्टेम्बर में हमारे टीजीटी के एग्जाम कम्प्लीट होंगे और जो अक्टूबर है वहां पे पीआरटी के एग्जाम कम्प्लीट होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही आती है, अभी तो कोई फिक्स डेट नहीं आई है, कोई फिक्स ऐसी चीज नहीं आई, ऑफिशियल डेट नहीं डाली है, लेकिन ये चीज बहुत क्लियर है कि इस मंथ में तो एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ की जो चांसेस हैं कि उसमें ज्यादातर जो टीजीटी के एग्जाम होंगे वो सारे के सारे कंडक्ट हो जाएंगे। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि एग्जाम डेट कब होगी, यानी सितंबर में चांसेस हैं, तो आप इसकी तैयारी कर लें, आपके पास एक मंथ बचा है, इस एक मंथ के अंदर आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकें दोबारे से अपनी चीजों को रिवाइज कर लें एक बार, जो जो कॉन्सेप्ट आपने बनाए हैं, क्या क्या चीजें क्लियर की हैं, और साथ में सेक्शन ए की भी प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर लें आप, क्योंकि सेक्शन बी की प्रैक्टिस काफी हो चुकी है, अब सेक्शन बी के ऊपर इतना ध्यान ना दें, अब कोशिश करें कि सेक्शन ए जो है, यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल नॉलेज, इन सब के ऊपर आप ज्यादा फोकस दें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बहुत बच्चों को ये भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि चीज ये आती है कि आपके पास पहले से ही दिमाग में ये चीज थी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा और फिर ऑल ऑफ सडन ये चीज हो गई थी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो हाँ थोड़ा मेंटली सेटअप बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है इस चीज को, लेकिन अब क्या है, चांसेस ये है कि ऑफलाइन ही होगा एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होगा, तो आप इस चीज की टेंशन भी ना लें कि ऑनलाइन कैसे लेंगे, कहाँ से हम क्या चीज क्लिक करेंगे, कैसे होता होगा। जैसे किसी बच्चे ने अगर एग्जाम नहीं दिया है अभी तक तो काफी कंफ्यूज रहते हैं वो, कि एक नया सेटअप को एक एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उनको, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब, क्योंकि ऑफलाइन के चांसेस है। 19th को जो टीजीटी का एग्जाम होगा वो भी ऑफलाइन हो रहा है और कुछ पीजीटी के जो एग्जाम है वो भी ऑफलाइन हुए हैं, तो चांसेस यही है कि अब जो आगे फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे ऑफलाइन ही होंगे। तो ये चीज अब हमारे पास क्लियर हो। अब बात करते हैं पीआरटी नोटिस, यानी जो पीआरटी से रिलेटेड जो नोटिस आया है वो क्या चीज है और किस हिसाब से अगर टीजीटी वालों को भी लेना है, नहीं लेना, फॉर्म कौन सा फिलअप करना है, तो वो क्या चीज है, हम पहले उसको क्लियर करते हैं। तो गाइज, ये नोटिस आया हुआ था हमारे डीएसएसबी की साइट के ऊपर, वहां पे उन्होंने पोस्ट कोड भी दे रखा है, बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि टीचर्स प्राइमरी जो पोस्ट के लिए जिन्होंने फिलअप किया है फॉर्म, सिर्फ वो उनके लिए है ये नोटिस, सबके लिए नहीं है, यानी टीजीटी वाले को जरूरत नहीं है दोबारा से फिलअप करने के, उनके लिए अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, सिर्फ पीआरटी जो प्राइमरी वाले हैं कुछों को चांसेस दिया गया है, यानी अगर आपने उसमें एप्लीकेशन के अंदर अगर कुछ गलती की है आपने, जैसे काफी बच्चे थे उन्होंने सीटेट फिल नहीं कर पाए थे, तो इनको चांस मिला है कि आप फिर से दोबारा से अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जैसे ही दोबारा फॉर्म भरा जाएगा उसमें आप अपनी प्रॉपर जो डिटेल है आप वो भर सकते हैं। जैसे काफी सारे बच्चे थे जिनके पास सीटेट क्लियर था, क्वालिफाइड था, लेकिन वो फिल नहीं कर पाए क्योंकि उसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, कि कहीं पे सीटेट रिक्वायरमेंट दिखा नहीं रहा था कि वहां पे आपको फिल करना है, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे जो है वो फिल नहीं कर पाए। तो जो भी इनकरेक्ट डिटेल आ गई है बाई चांस या जो भी चीज है, आप उसे दोबारे से सही भर सकते हैं, यानी आप दोबारे से एक बार अप्लाई करें, और जिसने एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही भरा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दोबारे से फॉर्म फिल करने की जरूरत भी नहीं है।
और ये नोटिस स्पेशली फॉर प्राइमरी है, यानी पीजीटी या टीजीटी वाले जो हैं उनके लिए ये चीज नहीं है। तो आप एक बार फिर से, अगर आपने कोई इनकरेक्ट डिटेल भरी है उसके अंदर, तो आप एक बार फिर से साइट पे जाके वहां पे दोबारे से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग से करना है, वहां पे एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं आया होगा कि आप एडिट करें या ऐसा कुछ करें। दोबारे से आपको, दोबारे से जैसा फॉर्म आपने पहले फिल किया था सेम वैसे ही फॉर्म फिर से फिल करेंगे। अभी थोड़े टाइम के लिए विंडो ओपन की है उन्होंने, डीएसएसपी वालों ने, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो अब हमारा ये चीज भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो डाउट है वो सी टेट से रिलेटेड है। ज्यादातर बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हो रहा है नहीं हो रहा, कब एग्जाम होना है और कब इसके जो फॉर्म है वो रिलीज होंगे। तो गाइज फॉर्म रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप फिल कर दें उसको। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आप अगर नीचे जाएंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सी टेट 2018। तो ये सी टेट वालों ने जनरेट कर दिया है, तो आप यहाँ से, आप अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जितनी भी डिटेल्स हैं आपको, जो भी प्रोसेस होता है इसके अंदर, आप वो सारा प्रोसेस करें और फॉर्म फिल कर लें। तो गाइज ये जो एग्जाम है ये 2 साल बाद हो रहा है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको टीचिंग लाइन के अंदर जाना है तो सी टेट आपके पास मस्ट होना चाहिए, यानी सी टेट की रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 2 साल बाद अब नहीं पता अगले साल होगा नहीं होगा, हर 6 महीने में होगा नहीं होगा, तो आप रिस्क ना लें। जो भी है ये एग्जाम का फॉर्म निकला है, अब आप फिलअप कर लें इसको, एग्जाम दें प्रॉपरली क्लियर करें और 7 साल तक आप रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है उसकी 7 साल तक वैलिडिटी होती है। तो कम से कम आप, ये हो जाएगा 7 साल तक आप रिलैक्स रहेंगे। आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा अभी आपके पास सी टेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट जो होती है छोटी मोटी वो आप क्लियर कर लें। तो सी टेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी फिलअप कर दें फॉर्म। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, नहीं समझ में आती है कोई चीज, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।